हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं, यकीन मानो बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसान बनाना है इसको और खाने में इसके भाई क्या कहने। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया, एक बड़ा चम्मच जीरा लिया है, 2-3 तेज पत्ते लेना है, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग लेना है, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जायफल, जावित्री, दालचीनी, 2-4 हरी इलायची, 3-4 हरी इलायची लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज लिया है, वो काट के डाल दिया है। प्याज जैसे ही कलर चेंज होगा, यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्च डाली है। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर यूज़ किए हैं, 3-4 हरी मिर्च, यानी कि अगर आपको ज़्यादा तीखी बिरयानी पसंद है तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ टमाटर सॉफ्ट पड़ जाए तो तब तक इसको हमें पकाना है। टमाटर के साथ में हमने यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसका कच्चा पन जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ हमने कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करना है, जैसे कि 2 बड़े चम्मच हमने सौंफ धनिया पाउडर ऐड किया, 1 बड़ा चम्मच भर के हमने यहाँ पर डाला है गर्म मसाला और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है बिरयानी मसाला पाउडर, जैसे कि जिसमें होता है सिर्फ जायफल, जावित्री, दालचीनी और यहाँ हरी इलायची। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो 1 बड़ा चम्मच भर के वो पाउडर हमने कर दिया। और साथ में ही हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के भुना जीरा पाउडर। अच्छे से सबको मिला लेना है, मसाले को भून लेना है और 1 बड़ा चम्मच भर के पीली मिर्च का यूज़ किया है हमने, और यहाँ थोड़े से क्यूरा वाटर ऐड करेंगे। मसाले को ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है और हमने यहाँ चिकन को अच्छे से पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। मसाला अच्छे से भून गया, हमने यहाँ पे चावल इसमें डाल देने हैं और चिकन को हमने फ्राई करते टाइम थोड़े से कुछ पाउडर ऐड किए थे, जैसे कि 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 किलोग्राम चिकन है, 1/2 छोटा चम्मच ये जो हमने दालचीनी, जायफल, जावित्री, हरी इलायची का पाउडर बनाया है वो इसमें ऐड किया था। अगर आपको ये कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे इसका पाउडर बनाना है, कैसे पीसना है ये दालचीनी, जायफल, जावित्री, हरी इलायची का, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी वीडियो चैनल पर हमारे अपलोड की हुई है। और बस नमक, थोड़ा सा पीली मिर्च पाउडर उसमें भी हमने ऐड करके 1/2 नींबू और चिकन को फ्राई कर लिया था। इधर हमने चावल डाले, पानी डाला, नमक ऐड किया और बस चेक कर लीजिए आप नमक, अगर आपको लगता है कि टाइम हमारे पास कम है और इस बिरयानी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऐसा नहीं है। एक तरफ आप मसाला भूनिए जो हमने बताया है और दूसरी साइड चिकन को फ्राई करने रख दीजिए। मसाला इधर भूनकर तैयार होगा, आप चावल उसमें डालिए भीगे हुए और पानी ऐड करना है, चिकन जब तक फ्राई हो जाएगा आप बाद में इसमें चिकन ऐड कर दिएगा। बस सबको अच्छे से मिला लेना है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है बहुत कम टाइम में। उसके बाद सबको अच्छे से मिला लेना है और यहाँ पर दम पर जब आ जाए हमारी बिरयानी तब हमने अपनी पसंद के कलर ऐड करना है और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। शुरू के 3 मिनट करीब हमने इसको हाई फ्लेम पर छोड़ना है और उसके बाद बाकी का टाइम हम इसे लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। उम्मीद है आपकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ।